मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, तो ये टॉपिक तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड 2 और 3 में पढ़ ही लिया है। वचन मतलब तो आप लोगों को ऑलरेडी आता ही होगा। तो ये तो मतलब एक टॉपिक है, 4th स्टैंडर्ड में भी आपका ये एक और वचन टॉपिक है। तो लेकिन आप लोगों को तो ये टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अच्छे से आता होगा। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है, थोड़ा बहुत नया आया है, तो हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आप लोगों को पता है ना वचन क्या होता है? एक वचन, बहुवचन, उसे ही कहते हैं ना वचन, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं नंबर। तो देखते हैं क्या है ये, उसमें नया क्या आया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें 2 पिक्चर्स दिए गए हैं, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे कितनी चिड़िया बैठी हुई है? ये 1st पिक्चर में सिर्फ एक ही चिड़िया है, और यहाँ पे कितनी है? 1, 2 एंड 3। तो क्या हुआ? ये हुआ एक वचन, और ये हुआ एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को पता है ना? बहुवचन। तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पे भी है तो चिड़िया बैठी है, लेकिन यहाँ चेंज क्या आया? यहाँ पे चंद्रबिंदु लग गई। यहाँ पे देखो, ऊपर दिया गया ना चंद्रबिंदु, ऐसा आधा मून जैसा आधा, और ऊपर एक बिंदु, तो इसे क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु। तो यहाँ पे एक है इसलिए चिड़िया बैठी है, और यहाँ पे एक से ज्यादा है तो चिड़िया बैठी है, वही हुआ। लेकिन दोनों में मतलब स्पेलिंग में चेंजेस आ गए ना। यहाँ पे चिड़िया, देखो यहाँ पे चंद्रबिंदु लग गया, और यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं है। अगर एक चिड़िया है तो ये ऐसा चिड़िया आएगा, और एक से ज्यादा है तो यहाँ पे चंद्रबिंदु लग जाएगा, तो चिड़िया, ये चिड़िया ऐसा लिखा जाएगा। पता चला आप लोगों को? तो अगर एक एक होती तो एक का ये एक चिड़िया है, और एक से ज्यादा ये बहुवचन है, तो यहाँ पे ये चिड़िया लिखा गया। तो अगर कोई भी चीज़ है या कोई भी पर्सन है या कुछ भी है, तो एक हुआ तो उसे हम एक वचन कहते हैं, और एक से ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास सिर्फ एक ही गुब्बारा है, और यहाँ पे है ये लड़की है, उसके पास कितने गुब्बारे हैं? 1, 2, 3, 4। वन टू थ्री फोर, तो हम क्या कहेंगे? गुब्बारे। अगर एक है तो गुब्बारा, और एक से कहीं ज्यादा है तो गुब्बारे। तो अमित के पास एक गुब्बारा है, अमित के पास कितने गुब्बारे हैं? अमित के पास सिर्फ एक गुब्बारा है, तो हमने क्या बोला उससे एक वचन में? अमित के पास एक गुब्बारा है। और यहाँ पे नेहा के पास कितने गुब्बारे हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? नेहा के पास कई गुब्बारे हैं। अगर एक है तो गुब्बारा, और एक से ज्यादा है तो गुब्बारे, ये क्योंकि एक वचन में है, तो एक ही एक वचन में तो हम क्या कहेंगे? गुब्बारे को गुब्बारा ही कहेंगे, और एक से ज्यादा है तो गुब्बारे। जैसे कि मेरे पास एक नोटबुक है, तो ये एक ही है ना, तो नोटबुक का तो नोटबुक ही रहेगा। तो फिर क्या होगा? मेरे पास कई सारी बुक हैं, एक से ज्यादा हुई तो कई सारी, और एक है तो हम उसका एक वचन में ही यूज करेंगे, एक है, या ये एक ये लड़का है, और एक से ज्यादा है तो ये लड़के हैं, हुआ ना बहुवचन। बच्चों अंतर समझ आया? जब एक चिड़िया थी तो कहा चिड़िया, जब अधिक है तो कहा चिड़िया, एक गुब्बारा है तो गुब्बारा, और अधिक है तो गुब्बारे कहा, यानी उनकी संख्या है। संख्या के आधार पर शब्द का रूप बदला गया। अब आप समझ गए होंगे, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर एक है तो एक गुब्बारा, और एक से ज्यादा है तो कई गुब्बारे। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। अगर हमारे पास मेरे पास एक पेंसिल है, और तो एक वचन में है तो एक ही, फिर एक से ज्यादा है तो मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें हैं, फिर मेरे पास एक मतलब मैं आज नया कपड़ा लेकर आया, और एक से ज्यादा है तो हम एक से ज्यादा लाए हैं, तो मैं आज बहुत सारे नए नए कपड़े लेकर आया है ना। अगर एक एक वचन में है तो हम एक ही कहेंगे, और एक से ज्यादा है तो बहुवचन में कहेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन है तो वो एक है तो हम एक लड़का एक लड़की ऐसा कहेंगे, और वो एक से ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे बहुवचन। बहुत सारे हैं तो उसे कहेंगे हम बहुवचन। शब्द के जिस रूप में एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, है ना। एक या अनेक होने का पता चले हम उसे क्या कहते हैं? वचन। एक से एक हो तो एक वचन,
और एक से अधिक हो तो उसे बहुवचन कहेंगे। वचन के भेद, वचन के दो प्रकार के भेद होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं, जैसे तारा, कॉपी, बच्चा, कुर्सी आदि। तो शब्द एक है या पर्सन एक है, किसी एक व्यक्ति की हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एकवचन, है ना। पता चला आप लोगों को, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तारा, कॉपी, बच्चा, कुर्सी आदि। अगर हम एक एक पर्सन की ही बात करेंगे, एक बच्चे की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, पता चला। और अगर हम कहेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो हम क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। डिफरेंस पता चला, बच्चे का बच्चे हो गया, बच्चा का क्या हो गया, बच्चे। तो एक वचन में पर्टिकुलर एक पर्सन की ही बात की जाती है। फिर बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तारा, तारे, कॉपियां, बच्चे, कुर्सियां आदि। तो यहाँ पे क्या हो गया, तारा का तारे हो गया, कॉपी का कॉपियां हो गया, बच्चा तो बच्चे, कुर्सी तो कुर्सियां, पता चला। एक वचन था तो हम लोगों ने क्या किया, बच्चा, कुर्सी, तारा, इस तरह से बोला। और ये सब अब एक से ज्यादा हैं, बहुवचन में है तो हम उसे क्या कहेंगे, तारे, कुर्सियां, बच्चे, कॉपियां, ऐसे कहेंगे ना। एक है तो उसका एक ही उसमें यूज होगा, एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज होगा। लेकिन एक से ज्यादा है, बहुवचन में है तो हम क्या कहेंगे, जैसे तारे, कॉपियां, बच्चे, कुर्सियां, इस तरह से। एक से ज्यादा पर्सन है तो हम उसका उस यूज बहुवचन में करेंगे। यह भी जाने, वचन बदलने पर संज्ञा के साथ साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का हंस रहा है तो लड़के हंस रहे हैं, यहाँ पे क्रिया क्या हुई, यहाँ पे एक एक ही लड़के के लिए हुआ तो लड़का हंस रहा है। फिर एक से ज्यादा हो गए तो यहाँ पे लड़के हंस रहे हैं, यहाँ पे पूरा सेंटेंस चेंज हो गया ना। फिर लड़की हंस रही है तो ये एक ही लड़की के लिए है, और एक से ज्यादा है तो यहाँ पे देखो पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, लड़कियाँ हंस रही है। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता, जैसे फल, पेड़, हाथी, शेर, लेखक, घर, भाई, चाचा, मामा, राजा आदि। आप लोगों ने कभी ऐसा तो नहीं कहा मामाएं, चाचाएं, ये तो सब जितने भी हो, हमारे तीन चाचा हैं, चार चाचा हैं, तो हम यही कहेंगे चाचा, बस इतना ही। मामा भी एक से ज़्यादा है तो भी हम मामा ही कहेंगे। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में दोनों में सेम ही रहते हैं, उनमें चेंजेस नहीं आते। राजा, तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ये राजाएं, कि हम दो तीन राजा का नाम लेते, ऐसा ही कहेंगे ना ये यहाँ के राजा हैं। एक ही हुआ बहुवचन, बहुवचन है लेकिन उसे हम यूज दोनों में सेम ही होगा, एक वचन में भी राजा ही आएगा और बहुवचन में भी राजा ही आएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता, जैसे फल, पेड़, हाथी, शेर, लेखक। फल का फल ही रहता है, हमारे पास हम बहुत सारे फ्रूट्स लेके आए तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे हम फले लेके आए, हम ऐसा ही कहेंगे ना कि हम बहुत सारे फल लेके आए, तो वो नहीं बदलता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इन शब्दों के वचन का बोध वाक्य रचना के आधार पर होता है, जैसे पेड़ लंबा है तो पेड़ यहाँ पे यही रहा, पेड़ का पेड़ ही रहा। कुछ शब्द मतलब ये लोगों का बहुवचन का वो ही रहता है, बहुवचन में बदला चेंजेस नहीं आते, लेकिन उनका जो वो मतलब सेंटेंस होता है उसमें चेंजेस आते हैं। तो पेड़ लंबा है तो लंबा का क्या होगा, लंबे, तो पेड़ लंबे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, विशेषण प्रयोग। फिर टमाटर रखा है तो टमाटर का टमाटर ही रहेगा, लेकिन रखा का क्या हो जाएगा, रखे हैं, तो टमाटर रखे हैं, इसमें क्रिया का यूज हुआ ना, तो क्या कहेंगे, क्रिया प्रयोग। फिर मेरा भाई आ गया तो मेरा भाई तो वैसा का ऐसा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे मेरे भाई आ गए, ऐसा हो जाएगा ना। यहाँ पे मेरा भाई, तो मेरा भाई सेम टू सेम ही रहेगा, वो तो एक वचन या बहुवचन में दोनों में सेम ही यूज होता है, लेकिन यू चेंज यहाँ पे आ गया, आ गया की जगह हो गया मेरा भाई आ गए, मेरे भाई आ गए, वो चेंज हो गया ना उसमें, तो इसे क्या बोलेंगे, सर्वनाम प्रयोग। नेम तो यहाँ के जो फर्स्ट है वो सेम टू सेम ही रहेगा, लेकिन जो पीछे का है वो चेंज हो गया उसमें।
परंतु ने के से में आदि लगाने पर इन शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे फलों का टोकरा ले आओ, चाचाओं को बुला लो, तो यहाँ पे क्या लग गया के ने के से में ऐसा कुछ भी बाद में उस वर्ड के बाद में जो भी लगेगा तो जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो फिर बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फलों का टोकरा ले आओ, चाचाओं को बुलाओ, यहाँ पे को है, चाचाओ यहाँ पे को यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे आगे क्या लग गया ओ, फलों यहाँ पे पीछे का है तो फलों आगे आ गया, फल की जगह फलों कर दिया। फिर पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, हाथियों ने शेर से मुकाबला किया, तो अगर शब्द के बाद में ने के से में ऐसा कुछ भी लग गया तो शब्द फिर उसका रूप बदल जाता है। कुछ शब्द सदा एकवचन और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सदा एकवचन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एकवचन के एकवचन में ही रहते हैं, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो वो कौन से वर्ड्स हैं, दूध उबल गया, पानी बरस रहा है, तेल बिखरा है, तो हम दूधे पानी तेल ऐसे तेले ऐसा तो नहीं बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो भी हम उसे एकवचन में ही यूज़ करेंगे, वो हमेशा एकवचन ही रहेंगे, दूध पानी तेज जैसे वर्ड्स हैं वो हमेशा जैसे थे वैसे ही रहेंगे। फिर सदा बहुवचन, तो आंख से आंसू बह रहे हैं, बाजार में बहुत लोग हैं, भूख से प्राण निकल रहे हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहेंगे, उसका एकवचन नहीं होगा। कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार है, तो यहाँ पे देखो दिए गए हैं इसका एकवचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, तो एक वचन और बहुवचन यहाँ पे दो लाइन्स दिए गए हैं, तो एक थैला यहाँ पे देखो लाइन टू लाइन है, तो हम देखते हैं थैला तो थैले, झंडा झंडे, कपड़ा कपड़े, गुब्बारा गुब्बारे, तारा तारे, पत्ता पत्ते, तिनका तिनके, घड़ा घड़े, लोटा लोटे, पुस्तक पुस्तकें, किरण किरणे, नाव नावे, तस्वीर तस्वीरें, पतंग पतंगे, कन्या कन्याएं, बूंद बूंदे, घाय घाये, तो यहाँ पे ये एक वचन दिया गया है और उसके सामने उनके बहुवचन दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर यहाँ पे भी है महिला महिलाएं, छात्रा छात्राएं, पत्ती पत्तियां, दवाई दवाइयां, नदी नदियां, कथा कथाएं, भाषा भाषाएं, लता लताएं, कांटा कांटे, छुट्टी छुट्टियां, चिट्ठी चिट्ठियां, रस्सी रस्सियां, मेरा हमारा, वह वे, यह ये, सुई सुइयां, लड़का लड़के। तो आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका एकवचन का बहुवचन क्या होता है और इसका बहुवचन का एकवचन कैसे होता है, तो आप लोगों को ये अच्छे से दोनों लर्न करना है। हम जान गए शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं, जिस शब्द में एक का पता चले वह एक वचन और जिससे एक से अधिक का पता चले वह बहुवचन होता है। समझ गए ना आप लोग, एक है तो एक वचन और एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन। कुछ शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलता, जैसे हम लोगों ने ऊपर के वर्ड्स में देखा कुछ हमेशा बहुवचन के बहुवचन ही रहते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वचन बदलने पर संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है, हम लोगों ने ऊपर देखा जैसे वचन बदलता है तो उसके साथ साथ क्रिया भी बदलती है। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, एक्सरसाइज हम इसकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और आप लोगों को अगर कुछ समझना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये जो एक वचन बहुवचन है उसे आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।